हेलो गाइस, तो यार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारा वूल फैक्ट्री का आउटर लुक। यानी कि यार पार्ट वन में हमने कंप्लीट कर लिया था फुली वर्किंग फार्म। तो पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो जाके पहले वो देख लेना। लेकिन यार इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं जो मेन बिल्डिंग होती है बाहर वाली, वो हम यहाँ पे पूरी कम्प्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल पे नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हमको बहुत जल्द यहाँ पे 50K पहुंचना है, तो अब चलते हैं और देखते हैं इसको बनाते कैसे। तो लेट्स गो। तो इस फार्म को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में अब आपको इस वाले कोने पे आना है। तो इस कोने वाले ब्लॉक से आपको इसके ऊपर एक पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको यूज करना है डार्क ओक लॉक का। तो पूरे 18 ब्लॉक लगाने हैं आपको, और 18 ब्लॉक का यहाँ पे पिलर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ऐसा एक पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है, और एक सेम टू सेम करना है यहाँ पे। तो दो यहाँ पे 18 ब्लॉक के पिलर क्रिएट करने के बाद में अब आपको आना है इसके अपोजिट साइड पे, और इस वाले कोने पे लगाने हैं आपको 11 ब्लॉक। यानी कि यार 11 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेम करना है इस वाले कोने पे। तो यार यहाँ पे 11 ब्लॉक लगाने के बाद में अब यहाँ से आपको 6 ब्लॉक काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेवंथ वाले ब्लॉक पे नेदर की ब्रिक लेनी है, और आपको पूरी 5 प्लेस करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 फिर वापस से आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक काउंट करने हैं। 1, 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले ब्लॉक पे वापस से 5 ब्लॉक प्लेस करने हैं। तो 1 इतना करने के बाद में अब इसके ऊपर आपको लगाने होंगे आपके डार्क ओक के लॉग, और पूरे आपको 8 यहाँ पे प्लेस करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेम आपको यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे करने के बाद में अब अपोजिट साइड पे आना है यहाँ पे, एंड वापस से 6 ब्लॉक काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेवंथ वाले ब्लॉक पे इस बार आपको लेना है यहाँ पे डार्क ओक वाला ही लॉग, और पूरे 13 ब्लॉक का पिलर यहाँ पे क्रिएट करना है। सेम करना है यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ के, 1, 2, 3 और यहाँ पे भी लगाने हैं 13 ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सारे 8 पिलर यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में अब आपको आपके फ्रंट वाले पिलर के पास में आना है, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पे गाइस आपको एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से इसको डिवाइड करना है आपका स्टोन ब्रिक का यूज करके, एंड इसके नीचे आपको पूरा स्टोन ब्रिक आपको फिल करनी होगी पूरा कोने तक। तो ये काम करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना, बस आपको फिल करना है इसको। तो इसको यहाँ पे फिल करने के बाद में अब आपको आना है पीछे वाली साइड पे यहाँ पे, और यहाँ से ब्लॉक लगाने स्टार्ट करना है, एंड बेसिकली पूरा फिल करना है इस वाली वॉल को। तो कुछ इस टाइप से आपको वॉल यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। इतना करने के बाद में अब आपको आना है इस वाले पार्ट पे जो अपन ने यहाँ पे 2 पिलर क्रिएट किए थे, सेम आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाने हैं आपके स्टोन ब्रिक वाले, एंड यहाँ पे भी पूरी वॉल क्रिएट करनी है नीचे तक कुछ इस टाइप से। तो इतना करने के बाद में अब आपको इसके अंदर आना है, और इस वाले पिलर को आपको एक्सटेंड करना है पूरा यहाँ तक, एंड वापस सेम रिपीट करना है आपको, जो भी जगह बच गई है यहाँ पे सारी फिल करनी है कुछ इस तरह से। तो यार यहाँ पे वॉल क्रिएट करने के बाद में अब आपको यार यहाँ से ना एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले 2 ब्लॉक तोड़ने हैं, एंड यहाँ पे प्लेस करना है बर्च वाला डोर। तो यहाँ पे डोर प्लेस करने के बाद में आपको पीछे मुड़ना है, और इस वाले पिलर के साइड में आपको 3 ब्लॉक काउंट करने हैं। 1, 2 एंड 3 3 ब्लॉक यहाँ पे काउंट करने के बाद में फोर्थ वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक प्लेस करने हैं नेदर ब्रिक के। 4 ब्लॉक प्लेस करने के बाद में वापस से आपको 3 ब्लॉक यहाँ पे काउंट करने हैं। 1, 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले ब्लॉक पे रिपीट करना है प्रोसेस को, यानी कि 4 ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करने हैं। देन इसके ऊपर लगानी है नेदर ब्रिक की स्टेयर उल्टी करके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर आएगा इसके ऊपर 3 ब्लॉक यहाँ पे, फिर सिंगल ब्लॉक आएगा बीच में। तो बेसिकली आपको एक डोर का जो फ्रेम होता है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यार यहाँ पे फ्रेम बनाने के बाद में अब वापस से आपको यहाँ पे 5 ब्लॉक काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिक्स्थ वाले ब्लॉक पे सेम आपको प्रोसेस रिपीट करना है। तो 4 ब्लॉक यहाँ पे आएंगे, फिर 3 ब्लॉक छोड़ के वापस 4 लगाने हैं, फिर आएगी स्टेयर यहाँ पे और यहाँ पे, फिर 3 ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं और एक बीच में लगाना है। तो डोर के फ्रेम बनाने के बाद में अब इस वाले पिलर को आपको जोड़ना होगा आपकी स्टोन ब्रिक का यूज करके इस वाले पिलर से, एंड जो भी जगह बच गई है फ्रेम के बाहर की सारी आपको फिल करनी होगी स्टोन ब्रिक लगा के। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे फिलिंग करनी होगी, और एक आपको वॉल क्रिएट करनी होगी। तो इतना करने के बाद में आपको फ्रंट वाली साइड पे आना है, और जो अपने यहाँ पे डार्क ओक लॉक लगाए थे आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक लगाने हैं आपके स्टोन ब्रिक के, एंड बेसिकली आपको पूरा फिल करना है इसको ऊपर तक। इसके बाद में गाइस नीचे आना है, और ये वाला ब्लॉक आपको रिमूव करना है, और यहाँ प्लेस करना है नेदर की ब्रिक, 2 यहाँ लगानी है। इनके नीचे आएगा यहाँ पे स्टेयर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देन यहाँ पे बीच में लगानी है आपको स्टेयर कुछ इस टाइप से। उसके बाद में इस वाली स्टेयर के साइड में यहाँ पे एक सीधी करके स्टेयर लगानी होगी, सेम करनी है यहाँ पे इसके साइड में। देन इसके ऊपर लगानी है अपसाइड डाउन करके 2 स्टेयर यहाँ पे, और 2 लगानी है यहाँ पे।
देन इस वाली स्टेयर के ऊपर लगानी है सीधी करके स्टेयर, एक यहाँ पे आएगी एक यहाँ पे आएगी, फिर दो आएगी इसके ऊपर अपसाइड डाउन। देन इस वाले ब्लॉक पे लगानी है सीधी करके स्टेयर एंड इसके ऊपर लगानी है अपसाइड डाउन करके। तो ये सारा काम करने के बाद में यहाँ पे दो लांटेन लगानी है और दो यहाँ पे लगानी है। तो ये अपना मेन डोर होने वाला है अंदर जाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे एंट्रेंस क्रिएट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सबसे बड़े वाले पिलर के पास में आना है जो कि इस वाले कोने पे है, और यहाँ पे आपको टॉप वाला ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक पे यहाँ पे तीन ब्लॉक एक्सटेंड करना है इसको। अब इसके नीचे आपको लगाने हैं पूरे पांच ब्लॉक, तो 1 2 3 4 5, देन वापस रिपीट करना है प्रोसेस को 1 2 3 4 5 एंड एक बार लास्ट बार और करना है। उसके बाद में यहाँ पे लगाना है आपको दो ब्लॉक कुछ इस टाइप से, सेम रिपीट करना है उस साइड पे। तो फटाफट कर लेते हैं। लास्ट में आएंगे अपने पास में यहाँ पे दो ब्लॉक। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में जितनी भी जगह बच गई है नीचे वाली सारी आपको फिल करनी है, एंड उसके लिए आपको यूज करना है यहाँ पे स्टोन ब्रिक का। तो फटाफट करके मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप भी कर लेना। तो इसको यहाँ पे फिल करने के बाद में सेम करना है रिपीट पीछे वाली साइड पे। तो वापस से यार इसको अपन लोग फिल कर देंगे पूरे को। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो हमारी दोनों वॉल बन चुकी है, वो वाली और ये वाली। अब आपको आना है पीछे वाली साइड पे, और यहाँ पे भी गाइज आपको एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड पे चार ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड करने हैं 1 2 3 4, देन लगाने नीचे तीन ब्लॉक 1 2 एंड 3, सेम करना है पीछे वाली साइड पे। उसके बाद में वापस से वही प्रोसेस है, पूरा इसको फिल करना होगा नीचे तक कुछ इस टाइप से, सेम करना है उसके साथ में। तो इसको भी फिल कर देते हैं। तो पूरी बिल्डिंग की सारी जो वॉल्स है सारी यहाँ पे बन चुकी है। अब बारी है यहाँ पे रूफ की और थोड़ी बहुत विंडोज की, तो वो कर लेते हैं फटाफट से। तो उसके लिए आपको आना होगा इस वाले पिलर के पास में, एंड यहाँ पे यार आपको ये वाला ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से चार ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 3 4, एंड जो यहाँ पे फिफ्थ वाला ब्लॉक है आपको ये तोड़ना है। इसको तोड़ने के बाद में इसके साइड में आपको तीन ब्लॉक और तोड़ने हैं, एंड इसके ऊपर तीन ब्लॉक और तोड़ने हैं। उसके बाद में तीन यहाँ तोड़ के बेसिकली एक ऐसी 4x4 की विंडो यहाँ पे क्रिएट कर लेना। कोने पे लगानी है आपको स्टोन ब्रिक की स्टेयर यहाँ पे और यहाँ पे, बीच के दो ब्लॉक और तोड़ने ऊपर वाले, और यहाँ पे प्लेस करनी है वापस से स्टेयर ऐसे उल्टी करके, एंड आपको एक ऐसी विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है। सेम चीज आपको रिपीट करनी है यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के। तो बस आपको यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के वापस से चार ब्लॉक तोड़ने हैं, वापस से 4x4 का बनाना है स्क्वायर, ऊपर के दो ब्लॉक तोड़ने हैं, और कोने पे प्लेस करनी है आपको जो आपकी स्टेयर्स होती है कुछ इस टाइप से। वापस रिपीट करते हैं प्रोसेस को यहाँ पे। तो तीन विंडो यहाँ बन चुकी है। अब बनानी है एक आपको सेम यहाँ पे, एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले पे चार ब्लॉक काउंट करने हैं 1 2 3 4, एंड फिफ्थ वाले ब्लॉक को तोड़ के तीन यहाँ तोड़ने हैं, तीन ऊपर तोड़ने हैं, एंड बेसिकली वही करना है जो अपन ने वहां पे किया था। तो हमारी चार विंडो यहाँ बन चुकी है। तो जो भी काम अपन ने यहाँ पे किया आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है पीछे वाली साइड पे यहाँ पे। तो वापस से यार इस वाले पिलर के पास में आएंगे, बड़े वाले पिलर के पास में, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड पे 1 2 3 4 ब्लॉक काउंट करके फिफ्थ वाले ब्लॉक को तोड़ना है, एंड वही करना है तीन ब्लॉक यहाँ पे तीन ब्लॉक ऊपर, 4x4 का स्क्वायर, ऊपर के दो ब्लॉक तोड़ने हैं, और यहाँ पे लगाना है आपको स्टेयर कुछ इस टाइप से, सेम रिपीट करना है एक एक ब्लॉक छोड़ के। यहाँ पे करने के बाद में सेम करनी है लास्ट वाली वॉल पे। तो हमारी सारी यहाँ पे चार विंडो बन गई है, और चार बन गई है सामने की तरफ। अब आपको यहाँ पे लेनी है आपकी जो ब्रिक वाले ब्लॉक होते हैं, और चार ब्लॉक यहाँ प्लेस करने हैं। इसके आगे लगानी है ब्रिक वाली स्टेयर, एंड इस वाले ब्लॉक के ऊपर आएगी ब्रिक वाली स्लैब। फिर आपको अंदर आना है, अंदर आने के बाद में इस वाले ब्लॉक के ऊपर आएगी आपकी स्टेयर, फिर लगाने हैं आपको तीन ब्रिक वाले ब्लॉक यहाँ पे, तीन यहाँ पे, एंड बेसिकली तीन तीन यहाँ पे लगाने हैं। दो लगाने होंगे ऊपर वाली साइड पे। उसके बाद कोने पे लगानी है स्टेयर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दो लगानी है मिडल में टॉप पे। इसके बाद में लांटेन लेनी है, और दो लांटेन प्लेस करनी होगी यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो यार विंडो के ऊपर जो अपन ने काम किया, अब आपको सेम टू सेम जो काम है वो रिपीट करना है इन सभी की सभी, जितने भी आपकी बची हुई विंडोज है सभी के ऊपर आपको सेम टू सेम चीज रिपीट करनी है। तो यहाँ पे सारी विंडो बन चुकी है, अब चलते हैं पीछे वाली साइड पे, एंड यहाँ पे करते हैं प्रोसेस को रिपीट। तो इसी के साथ हमारी सभी की सभी विंडो यहाँ पे बन चुकी है। तो विंडोज यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में अब आपको डर्ट के ब्लॉक लेना है, और आपकी विंडो के नीचे आना है, एंड बेसिकली आपको यहाँ पे दो दो ब्लॉक करके ऐसे लगाते जाना है, और पूरे 7 आपको यहाँ पे प्लेस करने होंगे। इसके ऊपर लगाना है आपको रोज का बुश, नीचे आएगा डार्क ओक का ट्रैप डोर, और ऊपर आएगा अपना नॉर्मल ओक वाला, सेम करना है आपको रिपीट यहाँ पे। तो एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे दो दो लगाते जाना यहाँ तक, उसके बाद में ट्रैप डोर्स,
सेम टू सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है पीछे वाली साइड पे। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे कुछ ऐसी डिजाइन फॉर्म करने के बाद में अब आ रही है यहाँ पे सिर्फ दो काम करने की। एक तो आपको लिखना है इसका नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वूली, एंड सेकंड गाइस हमको यहाँ पे बनानी है इसकी रूफ। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टॉप पे आना है, एंड बेसिकली यार जो अपन ने यहाँ पे स्टोन के जो ब्रिक वाले ब्लॉक प्लेस किए थे, तो आपको थर्ड वाले ब्लॉक के नीचे सेकंड वाले ब्लॉक पे आपको यहाँ पे चार वूल लगानी है आपकी ऑरेंज वाली। चार लगाने के बाद में एक लगानी है साइड में नीचे यहाँ पे सिंगल, दो आएगी बीच में, फिर सिंगल वापस आएगी, उसके बाद में चार आपको यहाँ पे लगानी है, तो आपका डब्लू बन जाएगा इससे। इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है और इस वाली लाइन के अंदर आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे तीन लगानी है पिंक वाली वूल। इसके नीचे तीन ब्लॉक और लगाने हैं, दो साइड में लगाने और दो यहाँ लगाने हैं, तो आपका बन जाएगा ओ। इसके बाद में लेनी है आपको ब्लू वाली वूल और इस वाले कोने वाले ब्लॉक पे आपको तीन ब्लॉक यहाँ प्लेस करने हैं, देन तीन नीचे लगाने हैं, दो साइड में और दो यहाँ पे, तो इससे आपका एक और ओ बन जाएगा। इसके बाद में लेना है आपको लाइम वाला वूल और यहाँ पे टॉप पे आपको चार ब्लॉक प्लेस करने हैं, 1 2 3 4, और दो लगाने हैं साइड में। अब आपको यहाँ पे मैजेंटा वाली वूल लेनी है और इस वाले पिलर का टॉप वाला ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से तीन ब्लॉक यहाँ प्लेस करने हैं, देन लगाने हैं तीन इसके नीचे और दो लगाने सिंगल सिंगल साइड में। देन आपको लेना है यहाँ पे येलो वाला वूल और इस वाले कोने पे आपको पूरे तीन प्लेस करने होंगे, फिर इसके नीचे लगाने आपको पूरे चार ब्लॉक और, तो 1 2 3 4, नीचे लगाने दो यहाँ पे और दो लगाने बीच में। तो इसी के साथ यार जो हमारा नाम था वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब बारी है इसका मेन काम करने की, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट है, और वो होने वाली है इसका रूफ। तो मैं पूरा ट्राई करूंगा अपना 100% कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो इसी बात पे यार लाइक कर देना वीडियो को अभी के अभी। तो अब चलते हैं और देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे लेनी होगी डार्क ओक की स्लैब और ये लेके आपको आना है इस वाले पिलर के टॉप पे, एंड एक आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। इसके आगे लगाना है आपको डार्क ओक का प्लैंक। इसको लगाने के बाद में इसके आगे आपको दो स्लैब लगानी है, फिर एक सिंगल आगे लगानी है और इस वाले को तोड़ना है। तो इतना करने के बाद में अब आपको इस वाले पिलर के साइड में यहाँ पे दो स्लैब लगानी है, फिर लगानी है इसके नीचे आपको तीन स्लैब, फिर वापस से तीन लगानी है यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करना है इस वाले प्रोसेस को। तो बस आपको यहाँ पे तीन तीन लगाती जानी है। तो जैसे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना इस वाले पार्ट पे, तो इसके नीचे आपको बस यहाँ पे दो लगानी है। इस बार दो लगाने के बाद में अब यहाँ से पूरी पांच लगानी है, उसके बाद में यहाँ पे आपको तीन लगानी होगी, फिर वापस से तीन लगानी है, फिर वापस से तीन लगानी है एक बार और, फिर लास्ट में आपको लगानी है यहाँ पे दो, उसके बाद लगानी है तीन, 1 2 एंड 3। तो कुछ इस टाइप से यार ये बनने वाला है। आई नो यार बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ साफ टाइप का है, लेकिन यार ये ऐसे ही बनता है। तो यार जो भी अपन ने यहाँ पे काम किया है ना, अब आपको सेम ब्लॉक लेना है और इसके आगे आपको सिंगल सिंगल एक एक यहाँ पे इसको इंक्रीज करना है। अरे भाई क्या हो जाता है ये। इस वाले पार्ट में एक यहाँ पे भी लगा लेना, एंड बाकी बस आपको सिंगल सिंगल लगाती जानी है। इतना करने के बाद में अब आपको पीछे वाली साइड पे आना है, एंड आपको सेम यहाँ पे रिपीट करना है। तो सिंगल लगानी है स्लैब यहाँ पे, फिर लगाना है आपको एक प्लैंक, फिर सामने की तरफ दो स्लैब लगानी है और एक आगे लगानी है, इसको तोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पे पीछे लगानी है दो, फिर लगानी है तीन, एंड तीन तीन आपको लगाती जानी है। एंड जैसे इस वाले पिलर के पास में पहुंच जाओगे, तो सिर्फ आपको यहाँ पे दो लगानी है, उसके बाद में लगानी है पूरी पांच, 1 2 3 4 5, फिर लगानी है यहाँ पे तीन, फिर वापस से तीन, फिर वापस से तीन, फिर दो बार यहाँ पे सिंगल सिंगल, उसके बाद नीचे लगानी है आपको तीन, कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको रिपीट करना है प्रोसेस को, सिंपली आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे एक्सटेंड करनी है बाहर की तरफ। इस वाले पार्ट पे एक यहाँ पे और लगा लेना, बाकी बस आपको सिंगल सिंगल एक्सटेंड करनी है। तो इतना करने के बाद में अब आपको आपकी इस वाली साइड पे आना है टॉप वाली पे, एंड बेसिकली आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाते जाना है आपके स्लैब वाले, एंड आपस में जोड़ना है दोनों को।
इसके बाद में लेनी है आपको ओक की स्लैब और यहाँ से आपको सिंगल सिंगल स्लैब लगाती जानी है ओक की और पूरी इसको वहां तक जोड़ना है। उसके बाद में सेम करना है प्रोसेस यहाँ से, देन लेनी है आपको डार्क ओक वाली और डार्क ओक वाली लगानी स्टार्ट करनी है आपको इसके साइड में यहाँ से, सेम करना है इसके साथ में। अब वापस से आपको यहाँ पे स्लैब लगाती जानी है आपकी ओक वाली पूरी कोने तक एंड इसके साइड में इस बार आपको लगाना है प्लैंक, तो ओक का प्लैंक लगा के पूरा इसको एक्सटेंड करना और यहाँ से इसको अटैच कर देना। इतना करने के बाद में अब आपको एक बार यहाँ पे आना है और जो आपकी ये वाली वॉल है ना इसके ऊपर आपको यहाँ पे ओक के प्लैंक लगाने होंगे, देन लेनी है आपको ओक की स्लैब और अब मैं जहाँ जहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपको वहाँ वहाँ पे लगानी है, तो दो यहाँ लगानी है, दो यहाँ लगानी है, दो यहाँ लगानी है, बेसिकली आपको बस दो दो लगाती जानी है ऐसे करके एंड इन सभी को आपको एक्सटेंड करना होगा पूरा पीछे तक। तो फटाफट करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे आना है एंड आपको यहाँ पे लगानी है आपकी चार ओक की स्लैब एंड बेसिकली इसको भी आपको पूरा एक्सटेंड करना होगा पीछे तक। इसके बाद में आपको यहाँ पे दो लगानी है, इस वाले ब्लॉक को छोड़ के इसके नीचे आपको दो यहाँ पे लगानी होगी, देन वापस से सेम करना है, दो यहाँ पे लगानी है एंड इन सभी को आपको एक्सटेंड करना है दो दो करके पीछे तक। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लेना है आपका डार्क ओक का प्लैंक एंड बेसिकली लास्ट वाली वॉल के ऊपर प्लैंक लगाने होंगे। इसके बाद में आपको लेना है ओक का स्लैब और यहाँ पे लगाने स्टार्ट करने ओक के स्लैब और एक लगाने यहाँ पे एंड दोनों को एक्सटेंड करना है पीछे तक। तो इसी के साथ गाइस हमारी जो रूफ है वो यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब बारी है यहाँ पे दो तीन काम करने की जो कि यहाँ पे अंदर की साइड होने वाले हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो गाइस अब आपको यहाँ पे अंदर आना है और अंदर जाने से पहले आपको दो लांटेन लगानी है यहाँ पे और ये तीन ब्लॉक तोड़ने हैं एंड यहाँ पे लगानी है एंड स्टोन ब्रिक्स। उसके बाद जाना है आपको अंदर और यहाँ पे टॉप पे लगानी है सोल कैंप फायर, इन दो कोने पे आएगी लांटेन, लांटेन लगाने के बाद में ऊपर जाना है और यहाँ पे चार चेन लगानी है और चार यहाँ पे आएगी लांटेन दोनों पे। सेम आना आपको इस वाले कोने पे एंड इस बार लगानी है पूरी छह चेन, छह यहाँ पे और छह यहाँ पे एंड वापस से लांटेन लगानी है। उसके बाद में इस वाले मिडिल वाले ब्लॉक पे आना है और टॉप पे जाना है एंड पूरी आठ यहाँ पे चेन प्लेस करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे लगानी है आपको लांटेन। अब इस रूम में चलते हैं और एक लांटेन यहाँ प्लेस करते हैं, एक इस कोने पे कर लेते हैं, चार लगाते हैं ग्लास के साइड साइड में, चार चेन यहाँ पे प्लेस करना और छह चेन प्लेस करना यहाँ पे, 1 फिर आएगी लांटेन यहाँ पे और यहाँ पे सेम करना है, यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्लेस कर लेना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी लाइट चाहिए आपको, तो ये रैंडम है यार, ये अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ। ऑलमोस्ट काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे बस एक दो काम बाकी है जो डेकोरेशन वाला काम होता है फ्लोर का, वो कर लेते हैं फटाफट से। तो अब आपको यहाँ पे आपके फर्स्ट वाले डोर से अंदर आना है एंड बेसिकली यहाँ से ब्लॉक तोड़ने स्टार्ट करने हैं। तो पहले आपको पांच ब्लॉक तोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे तोड़ने हैं पूरे आठ ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन आपको यहाँ पे तोड़ने हैं चार ब्लॉक, 1 2 3 4। सारे ब्लॉक यहाँ पे रिमूव करने के बाद में यहाँ पे लगानी स्टार्ट करनी है आपको जो आपकी एंड स्टोन ब्रिक स्टेयर्स होती है वो कुछ आपको ऐसे प्लेस करनी है, यहाँ पे आपको वाटर फिल कर देना है। अब आपको आना है सेकंड वाले डोर के पास में और आपको यहाँ पे है ना तीन ब्लॉक तोड़ने हैं, 1 2 3, उसके बाद छह ब्लॉक तोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6, देन आपको तोड़ने हैं यहाँ पे पूरे आठ ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दो ये वाले ब्लॉक तोड़ के हर जगह पे यहाँ पे फिट करनी है आपको स्टेयर्स। तो कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेयर प्लेस करते जाना, वापस से बस आपको वाटर फिल करना है। तो हमारी डिजाइन कुछ ऐसे बनने वाली है। तो यार इसी के साथ हमारा जो पूरा वूल फैक्ट्री है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।